जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे, यानी कि पिका व्लॉग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दही दिल से आपका स्वागत करता हूँ, और पहले तो मैं आप सभी को शुक्रिया कहना चाहूँगा दोस्तों, धन्यवाद कहना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि आपकी वजह से इस सीज़न में बहुत सारा सपोर्ट मिला है दोस्तों, सपोर्ट मिला है, इसलिए आप सभी को धन्यवाद दिल से, थैंक यू दोस्तों। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना दोस्तों, आगे भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे कंटेंट लाने वाला हूँ, और इस वीडियो का आप अंत तक देखना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वीडियो बनने वाला है और कुछ नई अपडेट के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो थैंक यू, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और मेरे YouTube चैनल पे 15,000 सब्सक्राइब हो चुके हैं, इसलिए थैंक यू दोस्तों और धन्यवाद। अभी हम बात करते हैं के म्यूजिकल के बारे में। काफ़ी सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, गोलू भाई जो लाइव आते हैं उसको रिकॉर्डिंग करके वीडियो वायरल होते हैं, मैंने देखा है, और उसमें जो गोलू भाई बोलते हैं वो काफ़ी सारी सच्चाई है उसमें, इस वीडियो में। तो उस वीडियो के आधारित सबको जानकारी मिलती रहती है, इसलिए और एक मैं बात कहना चाहूँगा, जैसे ही लास्ट प्रोग्राम में अविनाश भाई को लाया गया था गोलू भाई के द्वारा, एक सिंगर को लाया है, बहुत ही अच्छा सिंगर है, मैंने तो पहले ही उन्हें सिंगिंग करके देखा हुआ था। मेरे गाँव में भी जो ओल्ड बैंड में आप काम करते थे, बैंड का नाम आई डोंट नो भाई भूल गया हूँ, लेकिन सिंगिंग करते थे उसमें मैंने देखा था चौकड़ी सॉन्ग, और एक बार मैंने सुना भी था और खेरवा में भी सुना। और हम बात करते हैं गोलू भाई के बारे में और नीलेश भाई के बारे में, हमसे ज़्यादा उन्हें दुख हुआ है क्योंकि मेंबर चले गए, इसलिए। और हमारा दुख और उनका दुख में कंपेरिजन हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत नज़दीक थे, हम थोड़े दूर थे, इसलिए दोस्तों कंपेरिजन हम कर नहीं सकते। अभी हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में, के म्यूज़िकल ग्रुप के बारे में, जो फर्स्ट प्रोग्राम न्यू आर्टिस्ट के साथ होने वाला है दोस्तों। न्यू आर्टिस्ट तो गोलू भाई अपडेट देने वाले हैं, उसमें नाम बताने वाले हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि प्रोग्राम कहाँ पे है। तो प्रोग्राम दोस्तों न्यू आर्टिस्ट के साथ रहने वाला है तलोदा में, ऐसा कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, रील देखा है मैंने अपने इंस्टाग्राम पर। ओके दोस्तों, तो वहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है 9 अगस्त को, विश्व आदिवासी दिन के डे उस दिन होने वाला है 9 अगस्त। जरूर आना दोस्तों, के लवर होंगे जो भी, तो जरूर आना, मेरे सब्सक्राइब बहुत सारे के लवर है, बहुत सारे जो के द्वारा मुझे सब्सक्राइब मिले हैं वो के लवर है, तो जरूर आना दोस्तों, वहाँ पर बहुत सारा इंजॉय करेंगे, और के साथ न्यू मेम्बर हमें देखने मिलेंगे जो गोलू भाई बताने वाले हैं, मुझे भी पता नहीं है दोस्तों। उसमें तो अविनाश भाई का नाम तो आ गया है और न्यू चेहरा हमें देखने मिल चुका है। अभी हम बात करते हैं जो 9 अगस्त में बहुत सारे प्रोग्राम होने वाले हैं, नंदुरबार में भी होने वाले हैं, तो उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं थोड़ी दोस्तों। तो नसीब स्टार के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि नसीब स्टार बैंड कमिंग सून 9 अगस्त, जय आदिवासी ब्रिगेड ग्रुप नंदुरबार में आने वाले हैं। जो ग्रुप है जय आदिवासी ब्रिगेड ग्रुप है नंदुरबार में, उन्होंने बुक किया है नसीब स्टार को, और फिर जानेंगे सुपर जंकर के बारे में 9 अगस्त को वो कहाँ पे आने वाली है। तो 9 अगस्त को वो भी नंदुरबार में ही आने वाली है। कौन सा ग्रुप है? तो एकलव्य आदिवासी क्रांति दल करके ग्रुप है दोस्तों, जो नंदुरबार में आने वाली है 9 अगस्त के दिन। और बात करते हैं अभी हम सुपर जंकर के बारे में, और वो कल ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखा मैंने उनकी ऑफिशियल चैनल पे, तो सुपर जंकर बैंड 16 तारीख को जो गणपति विसर्जन पे है, वो बहुत दूर है, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ, अभी इन्फॉर्मेशन वीडियो बना रहा हूँ इसलिए। तो सुपर जंकर 16 तारीख को राजपिपला में नाइट का प्रोग्राम है, गणपति विसर्जन का है दोस्तों, जो 9वें महीने में है, 16/9/2024। ओके दोस्तों, यही बात कहनी थी, और मुझे काफ़ी सारे कमेंट आते रहते हैं कि पिका भाई आप कौन सी बैंड में जाने वाले हो, तो वैसा कुछ नहीं है दोस्तों, मैं सबके साथ अच्छे से रहता हूँ, सब मेरे दोस्त हैं और दोस्ती की तरह ही रहूँगा उनके साथ भी। और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मुझे के साथ मिला था, तो मैं के साथ ही हूँ और हमेशा रहूँगा, और सबके साथ जैसे वीडियो बनाता हूँ सभी बयान का वैसे ही वीडियो आने वाले हैं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। जो हेटर्स है वो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हमारा वैसा कुछ नहीं है। जो के साथ, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो जो बयान के वीडियो के बारे में बोलूँ तो
मैंने केके के साथ ही पहला पहला मतलब प्रोग्राम में जो वो प्रैक्टिस कर रहे थे, केके जब बन रही थी तब मैंने पहला वीडियो वहाँ से ही शुरुआत किया था। पता नहीं चुनादा गाँव में मैं गया था मेरे दोस्तों के साथ, और वहाँ पे गोलू भाई थे, सोनू भाई थे, फिर तब चंदन मास्टर भी था और काफ़ी सारे मेंबर थे वहाँ पे, अक्कू फायर म्यूजिक भी था वहाँ पे और नीलेश भाई भी था। और वहाँ पे मुझे मुलाकात हुई थी विकास ठाकरे से, कन्हैया पाड़वी से, क्योंकि मुझे उन्होंने भी बहुत सारा सपोर्ट किया, इसलिए मैं सबके साथ अच्छे से ही रहूँगा। जिससे इस साल रहा वैसे ही अगले साल भी वैसे ही रहूँगा, मतलब सीज़न में सीज़न वन सीज़न टू ऐसा है, ऐसा चलता है। तो सीज़न वन में सबके साथ अच्छा से रहा था और सीज़न टू में भी सबके साथ अच्छे से रहूँगा, और आप सभी का प्यार ऐसा ही बना रहेगा। तो सबके साथ मैं अच्छे से ही रहूँगा दोस्तों, और मेरे से कोई भूल हो गई होंगी तो मुझे माफ़ कर देना दोस्तों। ऐसे तो मैं हर वीडियो में माफ़ी मांगता ही रहता हूँ, इसलिए अभी भी बता देता हूँ कि मुझसे कोई गलती हो गई होंगी तो मुझे माफ़ कर देना। और अक्की म्यूजिक के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं मिली है दोस्तों, सब कमेंट करते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। अक्की म्यूजिक के बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चला है, वो उनकी फैमिली के साथ खुश है, इसलिए जब आएंगी अपडेट तो मैं इंफॉर्मेशन वीडियो बनाऊंगा जरूर दोस्तों। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना दोस्तों, और ज़्यादातर कमेंट आते हैं उनके रिप्लाई मैं दे देता हूँ। और अभी मैंने कल ही गोलू भाई को व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, मैसेज तो एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन मस्ती भरा जो रिप्लाई आया था उसके बारे में मैं बता नहीं सकता दोस्तों। ऐसे ही मस्ती में रिप्लाई किया था गोलू भाई ने मुझे, तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है। तब तक इन्फॉर्मेशन और अपडेट के बारे में गोलू भाई बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू, इस वीडियो का आपने पूरा देखा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और सच्ची सही इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों, और अपडेट लाता रहूँगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को आपने पूरा देखा इसलिए थैंक यू दोस्तों। मिलेंगे न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू, पिका व्लॉग को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना दोस्तों। धन्यवाद।